हाँ जी, मैं रोहन, स्टडी पॉइंट में रोहन, आप सभी का वेलकम भारतीय संविधान सीरीज में। आज हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 5 के बारे में। इससे पहले हमने बात की थी आर्टिकल नंबर 1 से लेकर आर्टिकल नंबर 4 तक, इसी के साथ हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। लेकिन आज हम शुरू करने जा रहे हैं आर्टिकल 5 को और साथ ही साथ पार्ट 2 संविधान का, जो कि टोटली बेस्ड है भारतीय नागरिकता यानी इंडियन सिटीजनशिप पर। ये जो कंसेप्ट है ये यूके से लिया गया है। आइए शुरू करते हैं। लेकिन करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं आर्टिकल नंबर 5, जो कि टोटली बेस्ड है, मैंने आपको कहा, सिटीजनशिप यानी भारतीय नागरिकता के ऊपर। ठीक है, सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के प्रारंभिक लागू होने तक कौन भारत का नागरिक होगा वो बताया गया है इसके अंदर। ठीक है, अब देखिए इसकी मेन जो हेडिंग है, एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एवरी पर्सन हु हैज हिज डोमिसाइल इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। सिंपल सी बात की गई है कि हर वह भारतीय नागरिक जो है भारत का नागरिक होगा जिसका जन्म जो है 26 जनवरी है ना 1950 यानी 1950 तक हुआ है। हिंदी इंग्लिश साथ में बोलनी पड़ती है। ठीक है, तो इस डेट तक अगर किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है भारत में, इस डेट तक, इससे या पहले भी हो सकता है, इस डेट तक, इसके बाद या इससे पहले हो हुआ है तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वह जवान हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, कोई भी हो, वह भारत का नागरिक होगा। ठीक है, अब देखो इसके लिए कुछ टर्म्स यानी कुछ कंडीशंस भी रखी गई हैं, हम इसको क्लोज के थ्रू कवर करते हैं। सबसे पहले क्लोज नंबर ए, हु हैज बोर्न इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। सबसे पहले उसका जो जन्म है वो भारत का होना चाहिए, भारत के अंदर अगर उसका जन्म हुआ है तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। क्लोज नंबर बी की, Either of whose parents was born in territory of India, या तो उसके माता पिता जो है उनका जो जन्म है भारत का होना चाहिए, तब वह भारत का नागरिक होगा। दो कंडीशन हो गई। थर्ड है तो देखो, क्लोज नंबर सी, who has been ordinarily resident in territory of India for not less than 5 years immediately preceding such commencement. सिंपल सी बात की गई है कि अगर कोई व्यक्ति जो है भारत में रह रहा था इस डेट से पहले, ठीक है, तो इस डेट से पहले कोई भी व्यक्ति भारत से रह रहा था, चाहे वह विदेश से आया हो, पाकिस्तान से आया हो, कहीं से भी आया हो, आपको पता हुआ है, ठीक है, कहीं से भी आया हो, अगर वह भारत में रह रहा था लेकिन उसने अगर 5 साल पूरे नहीं किए ना तो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। अगर उसने अपने 5 साल पूरे कर लिए हैं, अगर वह चाहे कोई भी देश से आया हो, ठीक है, उठकर, क्योंकि आपको पता होगा कि जब डिवीजन हुआ था तो कुछ लोग पाकिस्तान चले गए थे, कुछ पाकिस्तान जो डिवीजन हुआ था उस साइड से तो वो इंडिया की तरफ आ गए थे, इसीलिए ये जो है इसके अंदर कंपलसरी किया गया है कि उसको 5 साल का टाइम पीरियड दिया गया है, अगर उसने 5 साल पूरे कर लिए होंगे तो वह भारत का नागरिक जो है माना जाएगा। ठीक है, अगर इन तीनों में से कोई भी उसकी जो कंडीशन है फुलफिल्ड है यानी कंप्लीटली उसके पास है तो वह भारत का नागरिक होगा। जरूरी नहीं तीनों ही कंडीशन हो, कोई भी कंडीशन हो सकती है भारत का नागरिक बनने के लिए। और वह डेट कौन सी है, तो वह डेट है 26 जनवरी 1950 तक, या इस डेट से एक दिन पहले मान लो तो वह भारत का नागरिक जो है माना जाएगा। अब आपको क्विक रिवीजन दे देता हूं मैं, क्विक रिवीजन क्या है इसका, तो सबसे पहले कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है यही कि सबसे पहले उसका भारत के अंदर जन्म हुआ हो, ठीक है, दूसरी कंडीशन उसके जो माता पिता है उनका जन्म हुआ हो, या तो, या फिर जो है अगर किसी दूसरे देश से आया है, ठीक है, तो उसने अगर 5 साल पूरे कंपलसरी अपने कर लिए हैं भारत के अंदर रहकर तो वह भारत का नागरिक होगा। और कौन सी डेट तक होगा, 26 जनवरी 1950 से पहले आए हुए लोगों के लिए ही ये लागू होगा। ठीक है, और उन्हीं लोगों के लागू होगा जो इससे पहले जिन्होंने जन्म लिया है इस डेट तक भारत में, उनके लिए कंपलसरी है। ओके, वीडियो में, और तब तक के लिए देखते रहिए भारतीय संविधान सीरीज को। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ आर्टिकल नंबर 6 में। धन्यवाद।